इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां राजस्व कर्मचारी को बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी है। आपको बता दें कि एक तरफ सिवान में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला जीबी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक राजस्व कर्मचारी के सीने में गोली मार दी है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पचरुकी प्रखंड में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी व अहिरानी गांव निवासी दिलीप कुमार को सीने में गोली मार दी है। गोली लगने के बाद राजस्व कर्मचारी को घायल अवस्था में सिवान सदर अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया है। हालांकि घटना के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं घटना की छानबीन को लेकर सदर SDO व SDPO पूरे दल बल के साथ सिवान सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। वो राजस्व कर्मचारी हैं, तो हम लोग तो अभी फील्ड में ही थे। हम लोग को सूचना मिली कि उन्हें गोली लगा है, उसकी तो तहकीकात की जाएगी पुलिस द्वारा। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पटना के लिए एम्बुलेंस से हम लोगों ने भेज दिया है, साथ में उनके परिजन वगैरह सब गया। कहाँ गया था कुछ अपराधी? नहीं, वो पता नहीं है, वो घर के पास ही उनको गोली किसी ने मारा है। कितनी गोली लगी है सर? वो सब नहीं बता पाएंगे। अभी सर क्या नाम है सर उनका? सर ठीक है, सुधीर कुमार सिन्हा।